गुड मॉर्निंग बच्चों, अब जाग भी जाओ, समय हो गया। याद है ना, अगले ही महीने अंतर विद्यालयी खेल प्रतियोगिता है। चलो उठो और अपने दौड़ने के अभ्यास के लिए जाओ। गुड मॉर्निंग माँ। अमित, तुम दिन पर दिन आलसी होते जा रहे हो, जल्दी उठो। बहुत थका हुआ हूँ और नींद आ रही है, बस 5 मिनट और। क्या रात में तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? ये मोबाइल पर गेम खेल रहा होगा, इसलिए समय का ध्यान नहीं रहा होगा। अमित, अब थोड़ा जिम्मेदार बनो और अपने स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखो। चलो फटाफट उठो। अमित, प्लीज दरवाजा खोल दो। अमित, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? और तुम टीवी स्क्रीन के इतना नजदीक क्यों बैठे हो? मैंने बताया था ना, इससे तुम्हारी आंखों पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है माँ। अब फटाफट तैयार हो जाओ, तुम्हारी स्कूल वैन आने ही वाली होगी। फिर से मेथी के पराठे। माँ कुछ और क्यों नहीं बनाती, जैसे छोले भटूरे? गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आगे पढ़ने से पहले एक नजर देख लें कि हमने कल क्या पढ़ाई की। ईशा, क्या तुम औसत निकालने का फॉर्मूला बता सकती हो? मैम, मुझे नहीं आता। अमित, प्लीज बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करके दिखाओ। मैम, मेरा सिर दर्द कर रहा है और ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सिर दर्द? आपने सुबह का नाश्ता किया था? नहीं मैम, स्कूल के लिए देर हो रही थी तो सुबह के नाश्ते का समय ही नहीं मिला मुझे। ये अच्छी बात नहीं है, आपकी उम्र के बच्चों को रोज सुबह का नाश्ता करना जरूरी है। कल सुबह अपने माता पिता के साथ स्कूल के स्वास्थ्य केंद्र में आना, मैं डॉक्टर रवि से कह दूंगी कि वे आपकी जांच कर लें। ठीक है मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हो अमित? गुड मॉर्निंग डॉक्टर, इन दिनों मुझे सिर दर्द रहता है, सुस्ती भी रहती है, थका थका महसूस करता हूँ। कल मेरी मैथ टीचर ने मुझसे पूछा। सिर दर्द? आपने सुबह का नाश्ता किया था? नहीं मैम, स्कूल के लिए देर हो रही थी तो सुबह के नाश्ते का समय ही नहीं मिला मुझे। ये अच्छी बात नहीं है, अपनी रोज की दिनचर्या बताओ। डॉक्टर, अमित फल और सब्जियाँ नहीं खाता है और अधिकतर फोन पर गेम खेलता रहता है। तो ये बात है अमित, किशोरावस्था शारीरिक और मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, इसमें संतुलित आहार खाना जरूरी है। आपको घर का बना भोजन खाना चाहिए और बाहर के भोजन से बचना चाहिए। स्वस्थ खान पान में फल और सब्जियों का होना जरूरी है क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त होते हैं। मैं तो इसकी जीवन शैली से घबरा गई हूँ, अंतर विद्यालयी खेल प्रतियोगिता में कुछ ही सप्ताह बचे हैं। आप रोजाना कसरत भी जरूर करो, इससे पूरे दिन ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी। स्क्रीन टाइम कम करो क्योंकि बहुत ज्यादा देखने से तुम्हारी आंखों पर बुरा असर पड़ेगा और हमेशा सिर दर्द रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी तरह से सोने से दिमाग बेहतर कार्य करता है, इसलिए हमें बिना बाधा के कम 8 घंटे सोना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर, मैं अपनी जीवन शैली सुधारने में पूरी मेहनत करूंगा और प्रतियोगिता के लिए मन लगाकर मेहनत करूंगा। ये हुई ना बात, मैं आपके पीटी टीचर से बात कर लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमित, डॉक्टर रवि ने आपके बारे में बताया, कल सुबह स्कूल आओ, हम एक स्वस्थ फिटनेस प्लान तैयार करते हैं। जी सर। प्रतियोगिता में कुछ ही सप्ताह बचे हैं, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। दूसरा पुरस्कार अमित को जाता है। अपने परिवार एवं अध्यापकों की सहायता और व्यायाम करने की दृढ़ निष्ठा से अमित ने अपनी जीवन शैली को सुधारा तथा वो स्वस्थ और तंदुरुस्त बन गया। आपकी कड़ी मेहनत और लगन का फल मिल गया। लगातार कोशिश और जीवन शैली में अनुशासन से आप जरूर कामयाब होंगे और एक दिन विजेता बनोगे।
किशोरावस्था में स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना और युवा पीढ़ी को सेहत के खतरों से बचाने के लिए बेहतर कदम उठाना वयस्क अवस्था में उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखने के लिए जरूरी है। नियमित शारीरिक व्यायाम, चीनी, नमक और तेलीय खाद्य पदार्थ कम खाना तथा तंबाकू और शराब से परहेज करना कई गैर संक्रामक रोगों जैसे हृदय रोग, कैंसर, सांस की बीमारी और मधुमेह से सुरक्षित रहने और इन बीमारियों को टालने में सहायक है। साथ ही लैपटॉप, टीवी और मोबाइल का उपयोग यानी स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक नहीं हो। योग और ध्यान से स्वास्थ्य बेहतर होता है और व्यक्ति के समग्र कल्याण के लिए आवश्यक मानसिक और शारीरिक नियंत्रण बढ़ाता है। स्वास्थ्य के लिए बुरी आदतों को बदलने में दोस्तों, माता-पिता, शिक्षकों और किसी अन्य भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें।